हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेब डेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वरलेस फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वरलेस क्लाउड का एक ऐसा एरिया है जहां पे क्लाउड है वो सर्वर अपने एंड से मैनेज करता है। सर्वरलेस का मीनिंग ये नहीं है कि सर्वर नहीं है, सर्वरलेस का मीनिंग बेसिकली ये है कि सर्वर है लेकिन हमें मैनेज नहीं करने हैं। तो सर्वरलेस फ्रेमवर्क है वो हमारी एप्लीकेशन को डेवलप और डिप्लॉय सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे करने का स्कोप देता है। बेसिकली सर्वरलेस फ्रेमवर्क है वो कोई भी क्लाउड है, जैसे कि AWS, GCP या Azure या और भी कोई क्लाउड, उस पर सर्वरलेस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने का स्कोप देता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम AWS के बारे में देख रहे हैं, तो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी AWS के रिलेटेड ही होगी। सर्वरलेस पे जो भी एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करते हैं वो अपने आप स्केल होती है, क्योंकि उसमें हमें सर्वर मैनेज नहीं करना होता। तो ऑटो स्केलिंग या लोड बैलेंसिंग ऐसा कुछ भी हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वरलेस है। तो क्लाउड अपने आप से ही, जैसे ही लोड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट ये है कि हमें ऐसे टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब सर्वर आइडल होगा, मतलब हमारी एप्लीकेशन अगर यूजेज में ही नहीं है, तो उसके लिए हमें ओवर प्रोविजनिंग या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमें उसी चीज़ के लिए पे करना है जिसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि हमें ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्वरलेस है, तो उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग या अपडेट या ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। AWS के रिलेटेड अगर देखा जाए तो AWS में लैम्बडा है वो बेसिकली सर्वरलेस फीचर प्रोवाइड करता है। तो सर्वरलेस फ्रेमवर्क के थ्रू हम लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और लैम्बडा फंक्शन रिलेटेड और भी जो रिसोर्सेज है, जैसे कि API गेटवे है, क्लाउड वॉच अलर्ट है या क्लाउड वॉच लॉग्स है, या फिर SNS टॉपिक्स है, या और भी कुछ है जैसे DynamoDB क्रिएशन, तो ये सब चीज़ है वो सर्वरलेस फ्रेमवर्क के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि सर्वरलेस फ्रेमवर्क है वो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से हैंडल होता है, ऑपरेट होता है। तो हम शेल स्क्रिप्ट या और भी कोई बैश स्क्रिप्ट की हेल्प से सर्वरलेस फ्रेमवर्क को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो सर्वरलेस फ्रेमवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है वो YML में हम लिख सकते हैं, जो कि मोस्टली serverless.yml से हम रिफ़र कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक सैम्पल सर्वरलेस YML का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें सर्विस है माय सर्विस। बेसिकली यहाँ पे हम कोई भी कस्टम नेम को चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे है फ्रेमवर्क वर्जन, मतलब हमारा सर्वरलेस फ्रेमवर्क है उसका कौन सा वर्जन हमें यूज़ करना है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके नीचे आता है प्रोवाइडर, जिसमें हमारा प्रोवाइडर है AWS। आप कोई भी प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज्योर, GCP एटसेट्रा। रन टाइम है जो कि हमारा लैम्बडा जो भी रन टाइम प्रोवाइड करता है, जैसे नोड है, गो है, पाइथन है, या और भी .NET रिलेटेड जो रन टाइम है वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे है फंक्शन। फंक्शंस में हम कितने भी फंक्शंस लिस्ट आउट कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम है function1, और उसके नीचे उसका हैंडलर दिया गया है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट कॉल होगा लैम्बडा के अंदर। तो ये है serverless.yml। अल्टरनेटिवली हम कॉन्फ़िगरेशन है वो JSON या तो JavaScript फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि YML है वो इजी फॉर्मेट है समझने के लिए और डिबग करने के लिए, तो हम यहाँ पे serverless.yml मोस्टली यूज़ कर। कॉन्फ़िगरेशन में हम लैम्बडा फंक्शन, इवेंट्स और अदर रिसोर्सेज, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम YML को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन। तो सर्वरलेस इंस्टॉलेशन करने के लिए npm install -g और सर्वरलेस, ये कमांड आपको यूनिक्स टर्मिनल में जाके रन करना है। अगर आपके लिनक्स या यूनिक्स मशीन में npm नहीं है, तो पहले आपको npm को इंस्टॉल करना है, और उसकी हेल्प से फिर आपको फर्दर सर्वरलेस को इंस्टॉल करना है। और जैसे ही सर्वरलेस फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ रन करना है सर्वरलेस। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में हम चेक करेंगे कि सर्वरलेस फ्रेमवर्क से प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो
ऑलरेडी यहाँ पे सर्वरलेस फ्रेमवर्क हमारे मशीन में इंस्टॉल्ड है, तो हमें सिर्फ एक कमांड रन करना है सर्वरलेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ये हमारा पाथ है /where www.html और उसके अंदर एक serverless-app डायरेक्टरी है, उसमें हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ हमें लिखना है serverless, और जैसे ही ये serverless कमांड को फायर करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कि हमें कौन सा एनवायरनमेंट का कौन सा ऑप्शन है वो चूज करना है। तो फिलहाल के लिए हम ये Node.js का स्टार्टर वाला चूज करते हैं और प्रेस एंटर। और यहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम देना है वो यहाँ पे चूज करना है। लेट्स से माय सर्वरलेस और एंटर। और यहाँ पे AWS का जो नोड वाला टेम्पलेट है जो कि सर्वरलेस प्रोवाइड करता है वो डाउनलोड करके पूरा सेटअप करके देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको लॉगिन या रजिस्टर सर्वरलेस डैशबोर्ड में करना है या नहीं, तो फिलहाल के लिए नो। और नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि अभी डिप्लॉय करना है या नहीं, तो अभी के लिए हमें डिप्लॉय नहीं करना, डिप्लॉय हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो अभी के लिए नो। तो अभी हम वापस आ गए हैं टर्मिनल में और यहाँ जैसे लिस्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो बेसिक प्रोजेक्ट है माय सर्वरलेस जो कि हमने यहाँ पे कमांड लगा के क्रिएट किया है वो यहाँ पे बन चुका है। तो हम इसमें अब चले जाते हैं cd माय सर्वरलेस और इसके अंदर क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो देखते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, तो इसके अंदर एक है index.js जो कि हमारी लैम्बडा की मेन फाइल है Node.js के एनवायरनमेंट की, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो इसमें है हमारा लैम्बडा का कोड, सैंपल कोड जो कि लैम्बडा में डिप्लॉय होगा फर्दर, और उसके साथ एक सैंपल serverless.yml भी बनी है एज ए कॉन्फ़िगरेशन जो कि फर्दर हमारा ये जो कोड है वो लैम्बडा तक डिप्लॉय करेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें हमारी सर्विस का नाम है, हमारे फ्रेमवर्क वर्जन है, बेसिकली ये वही फाइल है जो कि हमने सैंपल सर्वरलेस YML में स्लाइड में देखी थी, वही सेम फाइल है। और प्रोवाइडर है AWS और रन टाइम है Node.js। और यहाँ पे हैंडलर है index.handler जो कि इंडेक्स मतलब ये फाइल का नाम और हैंडलर जो कि है ये फंक्शन का नाम, तो वो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे ही हम फाइल में मॉडिफाई करेंगे सेम चीज़ हमें सर्वरलेस YML के जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे भी रिलेवेंट मॉडिफिकेशन करना है। और दूसरी जो फाइल्स है वो gitignore और readme.md है जो कि बेसिकली GitHub या कोई Git के सेटअप के लिए है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम Git सेटअप नहीं करते तो ये gitignore और readme.md हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वरलेस कमांड को रन करके देखा और जैसे ही हम कमांड रन करते हैं वैसे ही वो ऑप्शन लिस्ट आउट हो जाते हैं और उस ऑप्शन में से फर्दर हम कोई भी एक रन टाइम एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं जो कि लैम्बडा का एनवायरनमेंट बनेगा डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जो वहाँ पे लिस्ट नहीं करता तो उसके लिए हमें ये जो नेक्स्ट कमांड यहाँ पे दिया है उसका यूज़ करना है, सर्वरलेस क्रिएट हेल्प। तो चलिए ये कमांड रन करके ट्राई करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम सर्वरलेस कमांड को रन करते हैं वैसे ही एक ऑप्शन आखिर में दिखता है अधर करके, ये लास्ट वाला, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सजेशन आएगा कि ये सर्वरलेस क्रिएट हेल्प टू व्यू अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ दोज टेम्पलेट्स। मतलब कोई ऐसा टेम्पलेट चूज करना है जो प्रीवियस ऑप्शंस के लिस्ट में नहीं था, तो ऐसे केस में हम ये कमांड को रन कर सकते हैं। और ये कमांड है वो हमें दूसरे ऑप्शन से वो दिखाएगा कि कौन कौन से पॉसिबल रन टाइम है AWS लैम्बडा के लिए। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे ये कमांड रन करते हैं और यहाँ पे सारे टेम्पलेट है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे, जैसे कि ग्रेडल है, Node.js है, Node.js डॉकर है,
AWS Go है, AWS C# है। तो इसमें से हम अगर हमें गो का एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जैसे हमने नोड JS का किया, तो उसके लिए हमें ये सर्वरलेस क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा और एज ए टेम्पलेट -t में हमें ये AWS Go ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरे भी ऑप्शन है टेम्पलेट को चूज़ करने के, जैसे कि टेम्पलेट URL से हम चूज़ कर सकते हैं, कोई एक पाथ पे से भी चूज़ कर सकते हैं। और उसका फर्दर ऑप्शन है वर्जन, वर्बोज, डिबग एट्सेट्रा। तो चलिए ये कमांड रन करके ट्राई करते हैं। पहले एक फोल्डर बना लेते हैं गो के लिए जिसमें हम गो की एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। लेट्स से सैंपल गो, और उसमें चले जाते हैं और ये जो कमांड है सर्वरलेस क्रिएट, उससे हम एक सैंपल गो की एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमें टेम्पलेट देना है -t, और यहाँ से हम ये जो गो वाला ऑप्शन है AWS-Go उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस एंटर। तो ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जो कि रिलेटेड होगा गो लैंग्वेज से। तो यहाँ पे हम अगर फाइल को देखें तो ये है गो का सैंपल टेम्पलेट और ये है उसकी serverless.yml फाइल। तो इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें मोस्टली चीज़ें कमेंटेड है और ये जो चीज़ है वो गो के पैकेज के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिस्ट आउट की गई है। तो इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही आप कोई भी एक टेम्पलेट है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्वरलेस क्रिएट ऑप्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको नोड या पाइथन का चाहिए तो वो आप डायरेक्टली सर्वरलेस कमांड के थ्रू भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट। जो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी क्रिएट की है उसको डिप्लॉय करने के लिए, AWS पे डिप्लॉय करने के लिए हमें AWS के बेसिकली क्रेडेंशियल्स चाहिए। क्रेडेंशियल के बिना हम डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें AWS के कंसोल में जाके कोई एक यूज़र के अंदर बेसिकली एक एक्सेस और सीक्रेट की जनरेट करवानी पड़ेगी जिसके पास एडिक्वाट परमिशन हो सर्वरलेस के जो रिसोर्स है वो क्रिएट करने की। तो उसके लिए चलते हैं AWS कंसोल में और एक यूज़र क्रिएट करके उसके अंदर एक्सेस और सीक्रेट की क्रिएट करते हैं विथ एडिक्वाट रिक्वायर्ड परमिशन। तो इसके लिए हम आ गए हैं AWS के कंसोल में, यहाँ से एड यूज़र करते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं लेट्स से सर्वरलेस यूज़र, और यहाँ पे प्रोवाइड यूज़र एक्सेस AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो हमें कंसोल का एक्सेस नहीं चाहिए ये यूज़र के लिए, बेसिकली ये यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि इस यूज़र पे फर्दर हम एक्सेस और सीक्रेट की क्रिएट कर सकें जो कि हम सर्वरलेस फ्रेमवर्क में डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकें फर्दर। तो यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ पे यूज़र ग्रुप है तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप में अभी नहीं रखते हैं ये यूज़र को, और क्लिक नेक्स्ट और क्रिएट यूज़र कर देते हैं। और फर्दर ये यूज़र में चले जाते हैं और यहाँ पे परमिशन में फुल परमिशन दे देते हैं अभी के लिए पॉलिसी अटैच करके। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दे देते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना आए कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने में। सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए है, आपको जितने रिसोर्स क्रिएट करने की परमिशन चाहिए आपको स्पेसिफिकली उतनी ही परमिशन देनी है, ज़्यादा नहीं देनी वरना ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ से ऐड परमिशन, और अभी ये जो यूज़र है उसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है तो इस पे मैं जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल एक्सेस और सीक्रेट की क्रिएट करूँगा उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन होगी तो वो बेसिकली कोई भी ऑपरेशन CLI के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस की में जाके यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की और लेट्स से CLI और चेक मार्क एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे ये ऑप्शनल है शायद, और एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट हो गई है तो मैं ये फाइल है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये यूज़र है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के एक्सेस हैं
उसकी एक्सेस और सीक्रेट की मैंने क्रिएट करके डाउनलोड कर ली है। तो अभी चले जाते हैं वापस स्लाइड पे। अभी यहाँ पे सर्वरलेस डिप्लॉय कमांड फायर करने से पहले, क्योंकि अभी कहाँ पे डिप्लॉय करेगा ये सर्वरलेस को नहीं पता, क्योंकि हमने एक्सेस और सीक्रेट की एक्सपोर्ट नहीं की। तो ऐसे केस में हमको पहले ये एक्सेस की और सीक्रेट की जो कि हमने जनरेट करके डाउनलोड की है वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद सर्वरलेस डिप्लॉय से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। चलिए ये एक्सेस और सीक्रेट की को एक्सपोर्ट करते हैं टर्मिनल के थ्रू सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इसके लिए चले जाते हैं टर्मिनल में, सीएसवी को ओपन करके एक्सेस की और सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं। तो ये है हमारी एक्सेस की आईडी और ये है सीक्रेट की। तो यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ से कमांड ले लेते हैं AWS एक्सेस की आईडी इज इक्वल टू की आईडी, टर्मिनल में जाके एक्सपोर्ट AWS एक्सेस की अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू की आईडी और एक्सपोर्ट AWS सीक्रेट एक्सेस की AWS सीक्रेट एक्सेस की इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की है वो। तो अभी यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, ये कंफर्म कर लेते हैं इको से। तो ये यहाँ पे कॉपी करके विथ डॉलर साइन ओके। तो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है और ये भी एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए सीक्रेट की भी ओके। तो दोनों ही एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे नोड की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, गो की एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं माय सर्वरलेस पे और यहाँ पे हम रन करेंगे सर्वरलेस डिप्लॉय। तो ये क्या करेगा कि जो एनवायरमेंट वेरिएबल में जो एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की है उसकी हेल्प से ये जो हमारा सर्वरलेस का जो पैकेज है index.js उसको डिप्लॉय करेगा लैम्बडा फंक्शन में। तो ये फंक्शन डिप्लॉय करने के लिए ये कमांड रन करते हैं सर्वरलेस डिप्लॉय। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है डिप्लॉयमेंट करने की। तो यहाँ पे पहला स्टेप है क्रिएटिंग क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक। तो हम ये AWS कॉन्सोल में जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सर्वरलेस है वो इवेंचुअली एक क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक क्रिएट करता है, और फिर क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है वो फर्दर रिसोर्स को क्रिएट करता है और उसका स्टेट भी मेंटेन करता है। तो हम जैसे ही कॉन्सोल में जाके क्लाउड फॉर्मेशन में जाए तो वहाँ पे हमें ये जो सर्विस है उसकी एक स्टैक क्रिएट होती हुई दिखेगी। यहाँ पे ये रही माय सर्वरलेस डेव। डेव है वो बेसिकली एक डिफॉल्ट एनवायरमेंट कंटेक्स्ट है कि हम कुछ भी एनवायरमेंट कंटेक्स्ट, कुछ भी स्टेजिंग का कुछ नाम ना दे तो वो बाय डिफॉल्ट एज ए डेव को रिफर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे इसने ये रिसोर्स क्रिएट किए हैं S3 बकेट और S3 बकेट पॉलिसी जो कि हमारे सर्वरलेस फ्रेमवर्क का स्टेट मैनेज करते हैं, और लैम्बडा फंक्शन भी हमारा डिप्लॉय हो जाना चाहिए। लेट्स गो टू लैम्बडा एंड चेक। तो ये है हमारा फंक्शन जो कि 32 सेकंड्स अगो डिप्लॉय हुआ है, जिसमें हम देखें तो जो कोड हमारे index.js में लिखा था वही कोड इसमें आ जाएगा। ये है index.js, ये हमारा कोड जो कि हमने वहाँ से डिप्लॉय किया था वो भी लैम्बडा में डिप्लॉय हो चुका है, और उसके साथ साथ ये redme.mdb आ गई है यहाँ पे, जो कि हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। और इसका स्टेट है वो S3 बकेट में मैनेज होता है, तो वो S3 बकेट में अगर हम जाएंगे तो हमें बकेट भी देखेगा जो कि इसके रिलेटेड होगा। ये है उसका S3 बकेट माय सर्वरलेस डैश डेव डैश कोई एक स्ट्रिंग सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट बकेट। तो इस बकेट में अगर हम जाएंगे तो हमें इसके अंदर सर्वरलेस
फोल्डर और उसके अंदर ये जो माय सर्वरलेस है वो हमारा सर्वरलेस सर्विस का नाम है और डेव है वो स्टेजिंग का नाम है और उसके अंदर ये टाइम स्टैम्प में कौन कौन सी चीज़ें डिप्लॉय हुई उसका स्टेट है। अगर हम फर्दर कोड में कोई चेंज करके वापस डिप्लॉय करेंगे तो वापस ये जो स्टैक है क्लाउड फॉर्मेशन का उसमें चेंज आएगा और वो वापस जो नया चेंज है उसको डिप्लॉय करेगा। तो इसके लिए चेक करके देखते हैं एक बार। S3 बकेट के साथ साथ अगर हम लोकली भी देखें तो जैसे ही हम सर्वरलेस डिप्लॉय कमांड को रन करते हैं लोकली भी एक डॉट सर्वरलेस करके एक हिडन डायरेक्टरी हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो कि अगेन हमारा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है उसका लॉग जो कि हमारा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है उसको मैनेज करता है एज ए जेसन फॉर्मेट। तो वो हमें उसके अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सर्वरलेस का कॉन्फ़िगरेशन से ही इन सब को मैनेज करना है। तो ये तो है वो सर्वरलेस डिप्लॉय कमांड रन करते ही अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो लेट्स मेक सम चेंज इन कोड एंड देन रीडिप्लॉय द सेम थिंग। लेट्स से index.js को ओपन कर लेते हैं सिंपल नोट पैड में और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज चेंज और ये सब निकाल देते हैं और सेव और क्लोज और वापस टर्मिनल में जाके यहाँ पे अगेन सर्वरलेस डिप्लॉय दे देते हैं। तो सेम स्टैक में अगर चेंज आएगा और वो चेंज है वो वापस से AWS कंसोल में रिप डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो वापस ये रीडिप्लॉय करेगा। अभी यहाँ पे स्टैक है वो अपडेट हो रहा है क्लाउड फॉर्मेशन का और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं वापस कोड में जाके इसको रिलोड कर देते हैं फंक्शन को और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो चेंजेस है जो हमने किया था और वापस रीडिप्लॉय किया था तो यहाँ पे चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगेन चले जाते हैं स्लाइड में और यहाँ पे दूसरा एक वे है कि अगर हमें एक्सेस की और सीक्रेट की को एक्सपोर्ट नहीं करना है तो दूसरा ये एक वे है कि हम AWS CLI को सेटअप करें और फर्दर उसकी प्रोफाइल क्रिएट करें क्रेडेंशियल को मैप करके और बाद में वो प्रोफाइल के हिसाब से सर्वरलेस डिप्लॉय करें। अगर आपको AWS CLI को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है ये इसका वीडियो ये चैनल पे पहले से बना हुआ है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था कि सर्वरलेस फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करें, कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, कैसे एप्लीकेशन को जनरेट करें, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है वो सर्वरलेस डिप्लॉय के थ्रू मैनेज होता है, कैसे उसका स्टेटस है वो S3 बकेट में मेंटेन होता है, ये सब आज हमने देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फर्दर सर्वरलेस रिलेटेड वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के साथ हम डिप्लॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।